नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमर शाह और हम पहुंचे हैं आज पानीघाटा में, जहां हम बात करेंगे मजदूरों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, आज 1 मई है, मजदूर दिवस के रूप में पूरा देश पूरा दुनिया मना रहा है। और ऐसे में कितने लोग हैं जो इस मजदूर के बारे में सोचते हैं और समझते हैं और उनके तकलीफ़ों को कितना हद तक वो जो है सॉल्व करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, एक मजदूर जो है वो किसी भी देश के निर्माण में कितना सहयोग रखता है, कितना महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि एक बड़े से बड़ा व्यक्ति हमेशा किसी भी काम को आसानी से करने का एक उपाय खोजता है। लेकिन जो कि मेहनत से मेहनत काम को भी कम से कम पैसों में भी कर देता है, और जिसको हम अपने तरीके से, अपने ढंग से और अपने जरूरत के हिसाब से उन्हें एक तरह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और आज मई दिवस है, 1 मई है, जिसके रूप में हम मजदूर दिवस मनाए, लेकिन हम जानेंगे कि कितना मजदूरों के लिए सरकार, समाज और बाकी जो वरिष्ठ लोग हैं वो सोच रहे हैं उन मजदूरों के बारे में, जो अपना कर्मठ जीवन, अपने परिश्रम से अपने आप को सब कुछ खोकर, सब कुछ भुलाकर भी देश के योगदान में अपना सहायक है। तो हम आज पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं, ये है पानीघाटा का नदी, और यहाँ पे बहुत तरह के लेबर्स हैं जो नॉर्मल समय में यहाँ पे आकर अपना कार्य करते हैं। जैसे कि हम बताते हैं, पानीघाटा, तिराना और यहाँ की स्थानीय क्षेत्रों में यहाँ के लोगों का मुख्य आय का जो साधन है वो एकमात्र चाय बागान है। लेकिन चाय बागान के बारे में आप हमेशा सुनते आते हैं कि चाय बागान कभी भी कहीं भी बंद रहता है, जिसके कारण से हमेशा उनके पेट पे दाने की आफत आई रहती है। और जैसे कि हमने कितने जगह पे आज गए, हमने यहाँ पे बहुत सारे घरों पे विजिट किया, हमने बहुत सारे लेबर लोगों से बात की, बहुत सारे चाय श्रमिकों से बात की, कुछ अभी महिलाओं को दिखाएंगे, कुछ ऐसे युवा को दिखाऊंगे जो यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं। और जैसे चाय बागान में लगातार चाय बागान बंद रहने के कारण यहाँ के जो स्थानीय मजदूर हैं, यहाँ के जो स्थानीय श्रमिक हैं, वो मजबूर हो गए हैं इन बड़े से बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए। उन पत्थरों को, और अब हम दिखाने वाले हैं, यहाँ पे कुछ लेबर हमारे सामने मौजूद है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे ये बुजुर्ग श्रमिक है जो बगान के बाद आज यहाँ पे गिट्टी, बजरी और बालू को लेकर यहाँ पे काम कर रहा है। ये भी एक आय का स्रोत है, जिन्होंने मजबूरी में आकर इस आय के स्रोत को अपना लिया है। और यहाँ हम बात करेंगे, आंटी जी आपसे थोड़ा सा बात कर सकते हैं जी? तो आंटी जी, जैसे कि, तो बताइए आंटी जी, जैसे कि आप लोग बगान में भी काम करते हैं, और जी, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे आए हैं इतने दूर, बगान से दूर, नदी से दूर, दो नदी पार करके हम यहाँ तक पहुँचे, आप भी पहुँचे इतने धूप में, तो कैसा तकलीफ आप लोग यहाँ पे महसूस करते हैं? तकलीफ तो है, उसे ले खोला में आते हैं जी। ऐसे जैसे बगान पे आप जब काम करते हो तो कितना आप कमा लेते हो दिन में? बगान में काम करते आराम भी मिलता है जी, आराम मिलता है, धूप में खटने पड़ता है, पानी का व्यवस्था रहता है, पानी नहीं भेटाता है, पानी नहीं मिलता है जी, वहाँ पे मिलता है। और जब आप नदी की इस पार आते हैं, इतने दूर आते हैं, आपके घर पे कहाँ क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं रहता है, इतने दूर आते हैं, आपको अगर बुलाने भी आए तो कितना दूर तक आप लोगों को आना पड़ता है, कितना दूर पड़ता है? तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अचानक से धूप, अभी जैसे धूप छाव का मौसम लगा रहता है, पानीघाटा जैसे एरिया में मौसम हमेशा बदलते रहता है, तो अचानक से धूप छाव आता है तो आप लोग क्या करते हैं? आराम होता है, तो शीतल कहाँ पाएगा, उसे कहाँ बैठे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हम लोग आज लेबर्स लोग के बारे में, श्रमिकों के बारे में आज हम बात करने आए हैं, जैसे कि आज हम आपको बता दें कि आज का जो दिन है पूरे भारत में मजदूर दिवस के नाम से मनाया जाता है, और यहाँ पे श्रमिकों को हम लोग एक सम्मान देते हैं, किस तरह से वो लोग मेहनत करते हैं। तरह आप बताइए कि आपको क्या तकलीफ नजर आता है इस तरह का बगान बंद होने के बाद, इस तरह से धूप में आके आपको घर से दूर रह के काम करना पड़ता है? तो क्या करे, बगान बंद हो गया, उसे ले तब पेड़ पालने तो होगा जी, टेंट बच्चा है पढ़ने लग, उन लोग को फीस पैसा देने पड़ता है जी, बगान बंद हो गया तो कहाँ कमाने जाएगा जी, अभी सूखा दिन है बोल के खोला में आता है जी, पानी नदी बढ़ेगा तब तो हम तो खोला में नहीं आएगा, तो बाहर सूखना चला जाएगा जी। तो सूखना तक भी आप लोग जाते हैं? तक जाते हैं हम लोग जी। और हमारे साथ यहाँ पे और एक अंकल जी है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि अंकल जी आप बताइए यहाँ के दुख तकलीफ, यहाँ के लोगों की तकलीफ के बारे में बताइए, अपने तकलीफ के बारे में बताइए कि बगान बंद होने के बाद आप लोग किस तरह से अपना जीवन जो है वो चलाते हैं? हम लोग का जीवन है थोड़ा मजबूरी है जी, घर में पैसा कौड़ी लेना देना, ये बाल बच्चा पालने का, हाँ जी, बच्चा लोग बड़ा बड़ा है लेकिन एक पैसा मांगने से नहीं देता है, हाँ, हम तो बुढ़ा हो गया शाम को जी, हाँ,
तो दिन भर की थकान को किसी भी तरह से आप दूर करने की कोशिश करते हैं जी। हाँ, और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। कितना मदद उनसे अभी तक मिल पा रहा है? उनसे मिल पा रहे हैं अभी तो ठीक ही चल रहा है ना जी। हाँ, वो लोग अपना कमाते हैं, अपने खाते हैं जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम बात करेंगे तकलीफों की, तो तकलीफ जो है वो बहुत सारी है। हम एक एक करके तकलीफ अगर गिनने के लिए बैठे तो काफी सारी तकलीफ है जिसको सॉल्यूशन में लाना बहुत जरूरी सा अब होने लगा है। और जो तकलीफ है वो कंटिन्यू बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, एक के बाद एक तकलीफ बढ़ती जा रही है। कोई अपने हालात से मजबूर है, कोई अपने परिवार से मौजूद है, कोई अपने काम को लेकर मजबूर है। हमारे साथ यहाँ पे और एक अंकल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों में बगान बंद होने के बाद और जीवन यापन करने के लिए सरकारी सहयोग क्या मिल रहा है और यहाँ के वरिष्ठ लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ के बारे में। तो बताइए अंकल जी, यहाँ पे जो यहाँ के जो बगान के जो श्रमिक है या यहाँ के स्थानीय लोग है, उनको क्या क्या तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है? तो सामना तो क्या करना है, हम तो आगे नहीं बोल दिए, हम बस्ते में बैठने वाला आदमी जी। जो बगान का हालत अभी आगे ने भी हम तो बता दिया ना जी। तो बगान खुला रहने से ये बगान नदी में आके कोड़ने का कोई दरकार नहीं था, जहाँ भी जाके पेट तो चलाना है जी। चाहे बस्ती का हो चाहे बगान का हो, बड़ा बड़ा आदमी लोग तो कमाएगा वो खाएगा, गरीब लोग को तो देखेगा नहीं जी। इसीलिए पेट के लिए तो जहाँ भी जाके दो पैसा हम कमा के घर चलाना जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने जितना भी अभी तक आपको जो चीज़ दिखाया बताया और जो समझाने की हमने कोशिश की, हमने बस एक यही समझाने की एक छोटी सी कोशिश या प्रयास कह सकते हैं आप, कि हम ये दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लेबर्स होते हैं उनको सम्मान देना बहुत जरूरी है। साथ ही सम्मान सिर्फ हम उन्हें दिल से या सैल्यूट करके नहीं, इस तरह से कि उनकी जो परेशानी है उनका छोटा सा जो उपाय है वो देकर ही हम उनका एक सहयोग कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमने आपके दो चार यहाँ पे जो श्रमिकों को दिखाया, उनकी शारीरिक अगर बनावट आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात में उनका फिजिकली वो है और दिमागी तौर पे भी वो काफ़ी मजबूर हैं, फैमिली से काम को लेकर और साथ साथ दिन भर इतनी बड़ी थकान के बाद जब वो घर जाते हैं फिर भी उनके लाइफ में कहें तो यूं अगर एक शब्द में कहें तो वो निराश की जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। इसी के साथ मैं अमर साहब सभी से रिक्वेस्ट करने का फिर से आवेदन करता हूँ कि कृपया श्रमिकों की जो तकलीफ है उसको लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बाकी लोगों तक हमारे इस मैसेज को पहुंचाने में मदद करें ताकि सरकार जागे, वरिष्ठ लोग जागे और वो अपने लेबर अपने श्रमिकों का सम्मान करें और उनकी भी अपने परिवार की तरह उनके भी परिवार को भी कुछ वैल्यूज दे ताकि उन्हें एक बड़ा सहयोग मिलता है। मैं आप सभी का, अमर शाह आप सभी का खबर आजकल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।